हेलो दोस्तों, आईआईसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कोशिश करेंगे कि एक इंटीरियर व्यू क्रिएट कर पाएँ और आप लोग सीख पाएँ कि इंटीरियर व्यू किस टाइप से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर बनाते हैं इस पेपर के ऊपर, या रेक्टेंगल, जो भी आपको लगता है कि फ्रंट वॉल जैसी भी आप दिखाना चाहते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल। फिर इसमें आप एक आई लेवल सेट कर लेते हैं, या एक इस पिक्चर का जो भी है होराइजन बना लेते हैं। जैसा कि मैंने ये सेंटर में ये लाइन खींची और मैं ये बता रहा हूँ कि ये आई लेवल है। और फिर हम इसको एक काम करते हैं कि सेंटर से भी एक लाइन खींच लेते हैं, और ये जो सेंटर मिल रहा है इसमें हम एक पॉइंट बनाते हैं। इस पॉइंट की और ही सारी ऑब्जेक्ट जो भी हम बनाएंगे वो वैनिश होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रूम की वॉल और सीलिंग और फ्लोर ये हम दिखा पाएँ। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने स्क्वायर बनाया है इसके जितने भी ये कॉर्नर वाले पॉइंट हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिलाकर और लाइन खींचेंगे। तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया और लाइन खींची। देखिए कि किस टाइप से मैं लाइन खींच रहा हूँ। ये देखिए मैंने लाइन खींची और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड करता हुआ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये सारी लाइनें आपको लाइट खींचनी है, जिससे कि जब पिक्चर बन जाएगा तो हम इन लाइनों को चाहें तो मिटा पाएँ, इरेज कर पाएँ। ठीक है, सेम जैसा ये खींची वैसे ही मैं ये वाला पॉइंट मिलाऊंगा और इससे मिलाती हुई लाइन खींच दूंगा, और फिर ये वाले पॉइंट को इससे मिलाएंगे और फिर हम ये लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये अब आप देखिए कि ये जो एरिया है ये आपका सीलिंग हो गया, ये मेरा नीचे का एरिया, ये फ्लोर हो गया, ये दोनों साइड की वॉल हो गई। ठीक है, अब जो भी कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है हमें इसी के रेफरेंस में बनाना है कि ये फ्लोर है तो फ्लोर के ऊपर हम जो भी ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो फ्लोर के ऊपर बनाएंगे। तो आप चाहें तो पहले इसके ऊपर हम ऐसी लाइन खींच लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट की ओर जा रहे हैं तो ये कम होती जा रही है डिस्टेंस, और जैसे ही हमारी और आ रही है ग्रेजुअली वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एक ये डेप्थ आपको दिखाई देगी। इसके बाद आप चाहें तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या है रेफरेंस के लिए, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ लेना चाहें तो हमारे पास ये फ्रंट वॉल जो है वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस लाइन होगी, और इसी लाइन के ऊपर हम सारे ऑब्जेक्ट की हाइट ले पाएंगे। इसे मान लीजिए ये हमारी फ्रंट वॉल है और मैं चाहता हूँ कि इस साइड में मैं एक डोर बनाना चाहता हूँ, या सबसे पहले मैं एक फ्रंट में ही डोर बना के देखूँ। तो मैं यदि यहाँ पर एक डोर बनाना चाहता हूँ तो मैंने ये डिसाइड कर ली कि इस साइड का मैं डोर बनाऊँगा। तो ये मैंने डोर का एलिवेशन बना लिया। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस सारे पॉइंट हम चाहें तो इस यहाँ पर यदि डोर बनाना है तो हमें इसका ये वाला पॉइंट इससे मिलाकर और वनिश करना पड़ेगा और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला डोर यदि यहाँ पे बनाता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं डोर के ओपनिंग का, ये हमने खींची, और हमें जितनी विड्थ चाहिए डोर की वो विड्थ का निशान लगा लीजिए, और फिर आप एक और लाइन खींचिए वर्टिकल, ये हमने बनाई। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से यदि आप फ्रंट से देख रहे हैं, इस वॉल को देख रहे हैं हम, तो स्वाभाविक है कि जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका ये वाला सरफेस जो है हमें सब दिखाई देगा। तो इस आई लेवल से हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो मैंने ये वॉल की थिकनेस बनाई, ये वॉल की थिकनेस बनाई, तो मुझे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये जो ओपनिंग दिख रही है उसमें मुझे ये सरफेस दिख रहा है वॉल का, हमने ये बनाया और बाकी हमें और कोई सा सरफेस नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, ये दिख रहा है, ये मैंने इसको डार्क कर दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जस्ट बाजू वाला रूम है इसका, तो जैसा ये फ्रंट की वॉल इसकी यहाँ इस लेवल में है तो हो सकता है कि अंदर वाला रूम की वॉल सीधी जा रही होगी, तो
हमें उसकी सामने वाली वॉल दिखाई दे सकती है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम डार्क कर लेते हैं जिससे कि हमें ये डोर या ओपनिंग समझ में आए। इस टाइप से हमने ये ओपनिंग क्रिएट करी। अब चाहे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे फ्रंट में, तो हमें क्या है, इसका फ्रेम दिखाई देगा डोर का, ठीक है। और आप चाहें तो ये लाइन हमें अंदर जाती हुई कि अंदर भी ये वॉल जा रही होगी सीधी कंटिन्यू, और ये जाकर कहीं पर यदि टर्न हो रही है तो ये हमें ये वॉल यहाँ पे ख़त्म हो रही है और यहाँ से यूँ जा रही है। इस टाइप से आपको ये पता चलेगा कि रूम कितना बड़ा है और कहाँ इसकी इसके फ्रंट की वॉल भी हमें दिखाई दे रही है यहाँ से, जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। और यदि हम देखें तो हमें इसका ये इसकी थिकनेस भी दिखाई देगी, और यदि ये फ्रेम है तो फ्रेम की भी थिकनेस दिखाई देगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये दो डोर के बनाए। इस डोर में हमने बस ये कि एक एक्स्ट्रा काम किया है कि हमने इसमें फ्रेम भी लगा दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं एक विंडो बनाना चाहते हैं आप, तो आप देखिए कि ये यदि विंडो का लेवल है इसका, जैसे ये ओपनिंग का ये लिंटर लेवल था, तो हमने विंडो का भी लिंटर इसी लेवल में रखा और इसका नीचे से लेवल ये रखा। अब हम फिर इस पॉइंट से ये दोनों लाइनों को, ये दोनों पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे, ये और ये हमें दोनों के विंडो के दोनों की हाइट की दोनों रेफरेंस लाइनें मिल गई। अब इसमें आप देख लीजिए कि आपको विंडो इस कॉर्नर से कितनी दूर रखनी है, तो उतनी दूर विंडो बना लीजिए। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ बनाता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक विंडो का वही ओपनिंग बनाई कहना चाहिए विंडो के लिए। ये मैंने इसको डार्क कर दिया, जैसा कि हमें इसका ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा था वॉल का, यहाँ पर भी हमको सरफेस देगा। हमें ये एक हल्की सी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी इस एज के पैरेलल होगी, ठीक है। और फिर हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिलेगी, और फिर हम जहाँ पर ये मिल रही है वहाँ से इस पॉइंट को मिला के ये लाइन खींचेंगे। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ये दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं ओपनिंग के। अब आप चाहें तो इसमें फ्रेम दिखा सकते हैं कि विंडो का यदि फ्रेम दिख रहा है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी डिटेलिंग दिखाना चाहते हैं, और जितनी डिटेलिंग दिखाएंगे उतना ये सुंदर होता जाएगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल एक आपके लिए ये फ्रेम दिखा दिया है जिससे कि आपको पता पड़ पाए, लग पाए कि ये इसमें फ्रेम कैसा फिक्स है। इसको मैं थोड़ा सा रेंडर कर देता हूँ, कलर में कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, जिससे आप इसको इजीली समझ पाएँ कि विंडो का फ्रेम कहाँ पर है। तो इस टाइप से हमने ये विंडो फ्रेम बनाया। फिर आप ये इसको मैं ग्लास दिखा दीजिए, इस टाइप से हमने ग्लास दिखाया। अब आप इस रूम में जो भी ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। फिलहाल हम क्या है कि बेसिक एक इंटीरियर में किस टाइप से ये बनता है ये हम सीख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सिंपल ऑब्जेक्ट ही हम बनाएं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आप इजीली समझ पाए, ठीक है। ये हमारी सीलिंग का और वॉल का कॉर्नर, ये भी हमारा सीलिंग और वॉल का कॉर्नर। तो ये हमारा एक रूम बन गया है। इस रूम में आप देख लीजिए आपको कि फर्नीचर क्या लगाना है, उसके हिसाब से आप फर्नीचर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर एक बेड बना देता हूँ। बेड की स्वाभाविक है कि हाइट इससे विंडो लेवल से नीचे ही होगी, तो ये हमारे बेड की हाइट हो गई। और मैंने देखा कि सिंगल बेड बना रहा हूँ मैं, मैंने उसकी विड्थ भी कम बनाई। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से वैनिश करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे आगे की ओर, तो हमें इस बेड का डायमेंशन मिल जाएंगी कि कैसी दिख रही है। तो ये हमने बेड बनाया,
फिर हमें देखना है कि हमें कितनी लेंथ रखनी है। तो मैंने सोचा ये विंडो जहाँ ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, वहीं तक मैं इसकी विड्थ रखूँ या लेंथ रखूँ। और फिर मैंने ये वर्टिकल हाइट ली और ये इसकी वर्टिकल हाइट ली, तो ये हमने मिला दिया। ठीक है, ये हाइट भी हमें कहाँ से मिली, यहीं से मिली। ये वाला हमने पॉइंट इसको मिलाया, यहाँ खींचा और फिर ये पैरेलल लाइन खींची उसके वर्टिकल। इस टाइप से आप चाहें तो बेड बना सकते हैं। अब बेड को जैसा भी आप रेंडर करना चाहें रेंडर कर सकते हैं, उसके ऊपर जो भी चीज़ बनाना चाहें। और जैसे ये बेड बन जाता है, इसके बाद आप ये अंदर की जो लाइंस हैं उनको इरेज कर दीजिए, जिससे कि ऑब्जेक्ट आपका स्पष्ट दिखाई दे और आप समझ पाएँ ये है क्या चीज़। आपने समझ ही लिया होगा मेरे ख्याल से कि बेड किस टाइप से बनाया। अब यदि आप चाहें कि यहाँ पर मैं एक टीवी यूनिट बनाना चाहता हूँ या टीवी रखना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए कि आपको टीवी किस लेवल से टांगनी है। तो मैंने सोचा लेंटल लेवल से एक मैं ये बनाता हूँ और ये बेड के सामने मैं एक पैनलिंग करके और एक हल्का सा ड्रॉज बनाऊंगा इसमें, क्योंकि मैंने ये जो पैरेलल लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, ये सारी ये पैरेलल हैं इस एज के। फिर मैंने इसको मिला के ये खींची लाइन और ये खींची। अब मैं इसी लाइन को आगे की ओर नीचे को बढ़ा रहा हूँ, ये भी नीचे बढ़ा रहा हूँ, ये भी नीचे बढ़ा रहा हूँ। अब देख लीजिए आपको कि क्या कौन सी वाली लाइन। तो ये मैंने फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, अब ये यहाँ तक है। अब ये वाला पॉइंट मैं इससे वैनिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसके सामने यदि कोई ड्रॉज या ऐसा फर्नीचर रखा है जिसके ऊपर कि आप अपना टीवी का जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, और इस सामने इतनी एरिया की मैंने वॉल की पैनलिंग कर दी है। ठीक है, अब आप चाहें कि मैंने यहाँ पे सेंटर में आप टीवी लगा दें, ये मैंने टीवी लगा दिया। ठीक है, अब टीवी का यदि कोई थिकनेस है तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये थिकनेस बना दी। अब टीवी को आप रेंडर कर लीजिए कि वो टीवी का लुक दिखने लगे, फ्लैट है तो फ्लैट, कर्व है तो कर्व, जैसा भी आपको लगता है कि टीवी का लुक होता है वो लुक इसमें यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, इस टाइप से टीवी लग गई। इसमें चाहे तो आप पार्टीशन कर सकते हैं ड्रॉज में, मैंने ये कर दी है, ये वर्टिकल लाइन खींच दी, इनमें सब में लॉकर्स लगा दिए। इस टाइप से आप छोटे छोटे फर्नीचर डिटेल ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहें कि यहाँ पे मैं एक सेंटर टेबल लगाना चाह रहा हूँ या टेबल लगाना चाह रहा हूँ बीच में, तो आप फिर वही कि हाइट ले लीजिए और यहीं से पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए आप आगे बढ़ाइए, तो आपको ये यहाँ पर जो भी टेबल बनाना चाहते हैं आप टेबल बना सकते हैं। इसकी हाइट ले लीजिए, चाहे तो आप एलिवेशन बनाकर भी इसको कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको इजी ही बता रहा हूँ कि इसका पायर बना रहा हूँ, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि इसमें तीसरी डायमेंशन 3D में कैसे ये बन पा रही है। तो देखिए ये सामने से एलिवेशन में 2D में दिख रहा है ये अभी ये पार्ट। अब इस पॉइंट को यदि हम इससे वैनिश करेंगे, ठीक है, अब इसका पाया जितना भी था थिक वो वहाँ तक आएगा और ये ऐसा दिखेगा। सेम इसको भी यदि हम करते हैं तो ये भी हल्का सा थिक दिखेगा। इस टाइप से आप टेबल बना सकते हैं या जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद फिर ये लाइन इरेज कर दीजिए और बाकी जो अननेसेसरी लाइंस हैं उनको इरेज कर दीजिए, तो ये इसमें व्यू की क्लियरिटी आ जाएगी
और आपको समझ में आएगा कि क्या दिख रहा है। इस टाइप से हम इंटीरियर बनाते हैं और छोटे छोटे एलिमेंट आप ऐड करते जाइए। हो सकता है कि इसके ऊपर आप कुछ रखना चाहें, जैसे मैंने एक फ्लावर पॉट टाइप का मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मैंने इस सामने से एलिवेशन बना लिया, इस पॉइंट से मैं ये सारे पॉइंट इस यदि वैनिश करूँगा तो ये इस साइड को होंगे, तो ऐसे में आपको ये 3D दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे आप फ्लावर पॉट बना सकते हैं, इसमें चाहें तो आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ऐसे ही ऐड करते जाइए, जो भी चीज़ें हैं तो वो आपको स्पष्ट दिखती जाएंगी, है ना। और भी वो कुछ ऐड करना चाहें, चेयर वेयर जो भी है आप बना सकते हैं। जी, आपने समझा ही होगा कि कितना इजी वे में हमने ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, आप भी कर सकते हैं। अब हम ये फ्लोर बनाना चाहें तो ये देखिए हम फ्लोर बनाते हैं, हालांकि हमने पहले से ही हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी खींच ली थी। ठीक है, और ये देखिए हम फ्लोर बना रहे हैं। ठीक है, इसी पॉइंट की ओर मैनेज करते हुए ये सारी लाइनें मैंने खींची हैं, और मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ तो ये पॉइंट की ओर, मतलब ये दीवार की ओर जो भी गई वहाँ पास हो जाएंगी ये लाइंस, और धीरे धीरे ऑब्जर्वर की साइड आएंगी तो ये दूर होती जाएंगी, जिससे कि ये डेप्थ आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, आप चाहें तो अंदर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइनों को, जिससे कि अंदर के रूम का भी आपको फ्लो दिखाई देने लगे। इस टाइप से हम इंटीरियर क्रिएट करते हैं। और भी आप चाहें कि यहाँ पर सीलिंग में कुछ डिज़ाइन वगैरह दिखाना चाहते हैं, या फॉल सीलिंग लगी हुई है और आप चाहते हैं कि लाइट्स वगैरह दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ ये रेफरेंस के लिए, आप सोच लीजिए आपको जैसा भी बनाना है। जैसे मैं ये बॉक्स में बना दे रहा हूँ कि बॉक्स में बनाएंगे तो शायद एक चीज़ और दिखा पाएंगे हम उसमें डेप्थ, जिससे कि देखने वाले को समझ में आएगा कि हमारे में पर्सपेक्टिव समझने की या बनाने की स्किल्स हैं। तो आप देख रहे हैं, ये सामने से देख रहे हैं तो हमें स्वाभाविक है कि ये और ये दोनों पार्ट दिखेंगे, और ये हमें डेप्थ का इसके अंदर की डेप्थ दिखाई देगी। ठीक है, सेम ये सही, और इस पॉइंट से हम ये पॉइंट वैनिश करेंगे, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, और ये हमारे को सीधा दिख रहा है। इस टाइप से आप इसमें चाहें तो ट्यूब रॉड्स दिखा सकते हैं। देन वही अननेसेसरी लाइंस आप मिटा दीजिए, और तब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और भी आप चाहें तो डिज़ाइन क्रिएट करना चाहेंगे, एक ये देखिए कैसे, लेकिन हमें करना क्या है कि सारी चीज़ें इसी पॉइंट की ओर वैनिश करानी है। तो इस टाइप से आप इंटीरियर व्यू क्रिएट करते हैं, और भी जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ सामने मैं कुछ एक सीनरी बना देता हूँ, जिससे कि जो पॉइंट लिया था उस पॉइंट को मैं छुपा पाऊँ। ये एक सीनरी लगी हुई है जो कि आप दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समझा कि कैसे हम इंटीरियर व्यू बनाते हैं वन पॉइंट लेकर। और अभी इसमें हमने रेंडर नहीं करी है कुछ चीज़ें, जैसा कि हमने शेड्स एंड शेडो में समझा है कि कहीं यदि कहीं कोई लाइट सोर्स होता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ पर शेड्स दिखाई देते हैं और शेडो कैसी दिखाई देती है, तो वो भी आप इसमें यदि अपेयर करेंगे तो ये इंटीरियर व्यू ऑटोमेटिकली आपको रियलिस्टिक टाइप का दिखने लगेगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाकर देखिए, यदि बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और आगे मैं कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा तो उनको आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस टाइप से ये सारी चीज़ें बन रही हैं। थैंक यू सो मच।